अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कट कर अलग हो जाने वाले इंसानी उज़्व के साथ क्या किया जाए? सवाल किया गया है, अगर किसी शख्स का हादसे की वजह से हाथ या पांव कट जाए और वो बंदा जिंदा बच जाए तो फिर इस कटे हुए हिस्से का क्या किया जाए? क्या इस कटे हुए उज़्व को गुस्ल देकर इसका जनाजा पढ़ें और फिर उसे दफन करें या क्या करें? अलजवाब बिआउनिल्लाह सुबहानहू व तआला। जिंदा शख्स के कटे हुए उज़्व को चाहे वो किसी हादसे की वजह से कटे या शरी हद लगने की वजह से कटे, इसे ना तो गुस्ल दिया जाएगा और ना ही इसका जनाजा पढ़ा जाएगा, ताहम इसे कपड़े में लपेटकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। और अगर करीब कोई कब्रिस्तान ना हो तो फिर किसी भी साफ जगह में जहाँ इसकी बेहरमती ना हो वहाँ दफन कर दिया जाए। फतवा शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, अशेख अब्दुल रज़ाक अल आफीफी, अशेख अब्दुल्ला अल गुदैयान। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा दायमी फतवा कमेटी जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 448। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम क्यूए रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतु शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबियतुस सऊदिया। फतवा नंबर 105353। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।